जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टेप इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि पता है SSC GD 2021 की भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला था लेकिन SSC ने नोटिफिकेशन को थोड़ा देरी से पब्लिश किया और SSC ने कहा है जो 3 तारीख से मतलब मई के फर्स्ट वीक से आपका फॉर्म फिलअप हो सकता है तो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को यदि वर्दी पाना है तो आप लोगों को तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि अगस्त में इसका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, तो तैयारी में अभी से जान झोंक दीजिए, ठीक है। आज हम SSC GD का प्रीवियस ईयर मतलब 2019 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। जीए पोर्शन से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम होता है फीमर। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है और ये कहाँ की होती है, तो ये जांघ की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वो कान की हड्डी होती है, कौन सी, तो स्टेपिस। स्टेपिस जो होता है ये कान की हड्डी है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था, तो सोवियत संघ 1991 ईस्वी में, सोवियत संघ 1991 ईस्वी में टूटा हुआ था। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी से निकलती है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से होकर निकलती है। किस पहाड़ी से होकर निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की कौन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कौन सा अर्थव्यवस्था, तो सातवीं अर्थव्यवस्था है, सातवां स्थान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है, पत्तियों में जो पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, किसके वजह से होता है, तो क्लोरोफिल के वजह से होता है, क्लोरोफिल के वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। उसके बाद भारत का प्रमुख लो एस्ट क्षेत्र कौन सा है, तो उड़ीसा झारखंड भारत का प्रमुख लोएस्ट क्षेत्र है। इसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, तो तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन सी है, तो भरतनाट्यम है, कौन सा, भरतनाट्यम कहाँ की प्रख्यात नृत्य शैली है, तो तमिलनाडु की प्रख्यात नृत्य शैली भरतनाट्यम है। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है। लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और ये SSC GD का 2019 का पेपर है जो कि आज हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कशन किया है। लास्ट क्वेश्चन है, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक नागपुर में हुआ था, कहाँ, नागपुर में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो ये रहा आज का 10 क्वेश्चन और हम डेली 10 क्वेश्चन SSC GD का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यहाँ SSC GD 2021 का क्लास ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, डेली हर एक सब्जेक्ट का क्लास अपलोड किया जाता है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें,
क्योंकि यदि आपको वर्दी पाना है तो आप हमारे चैनल के साथ बने बन जाइए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे 100% सटीक जानकारी मिलेगी। जो भी जानकारी मिलेगी सटीक जानकारी मिलेगी, जो क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करवाया जाता है, एग्जाम के ओरिएंटेड ही क्वेश्चन किया जाता है। तो आप लोग विश्वास के साथ विश्वास बनाए रखें, यहाँ पे भरोसा बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पे एसएससी जीडी का 100% सिलेक्शन होता है। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।